आप लोग ना रिवीजन करते रहो ये सब। और आप लोग को पता है ना संडे को मेजर टेस्ट है, बताओ आप लोग, यस सर। पता होना चाहिए। आज मैं ना रिवीजन क्लास कराऊंगा, मेजर टेस्ट के लिए क्या कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। थोड़ा सा और वेट करते लेते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा रुक गया, बिल्कुल सर। टाइम आउट, फिर स्टार्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग। मैक्सिमम बच्चे आ ही गए, 2-4 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। अब ना पता है क्या, अब हम लोग के पास ना किनके 3 महीने बचे हुए हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है? 3 से सवा 3 महीने हम लोग के पास बचे हुए हैं, और यह जो हमारा टाइम है ना एकदम स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड होना चाहिए। इसमें आप लोग को अपना बोर्ड भी देखना है और जेई का भी देखना है। इसमें इस बीच आप लोग डिमोटिवेट मत होना, किसी एक पे फोकस मत करना, हमें दोनों साथ लेके चलना है, ठीक है? अब तक हम लोग जब इतना नजदीक आ गया ना, लास्ट मोमेंट पे आप लोग पीछे मत हटना, हम लोग को दोनों साथ लेके चलना है। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस इसमें कोई भी पीछे मत हटना, कोई भी डिमोटिवेट मत होना। जो भी होगा देखेंगे, साथ में मिलके देखेंगे। और कुछ भी पीछे, कुछ भी दिक्कत होगा, अगर आप लोग को एक चैप्टर वीक भी लग रहा है ना, पर्सनली मेरे से करेक्ट करना, मैं पढ़ाऊंगा, अकेले पढ़ाऊंगा लेकिन पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप लोग के टाइमिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, आप जब बोलोगे। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातें? सर। तो हम लोग बहुत अपने मंजिल के ना बहुत ही क्लोज पहुंच गए। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था, तो मैं आप लोग को एक स्टोरी सुना रहा था। जैसे कि ना हम लोग गए थे घूमने के लिए, मसूरी गए थे घूमने के लिए। शायद ज्यादातर लोगों ने, आप गुड लोग मेरा इवनिंग स्टेटस सर। देखे होंगे, गुड इवनिंग, ज्यादातर लोगों ने मेरा स्टेटस देखा होगा, देखे थे ना आप लोग? आपका यस स्टेटस सर। नहीं दिखता हमें। नंबर सेव करना पड़ेगा आपका, सेव कर लूंगा, आप मुझे मैसेज करना। देखा तो था। उसमें पता है क्या हुआ था, हम लोग ना एक काफी ऊंचा एक पहाड़ है, जॉर्ज ब्रिज बोल, जॉर्ज एवरेस्ट बोलते हैं उसको। तो हम लोग ना 7-8 लोग थे, जिनमें से ना दो ही लोग चढ़े थे, बाकी सभी को क्या हुआ, बीच रास्ते से ही नीचे आ गया, क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब था, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था, जानलेवा भी था। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर किसी भी एग्जाम के लिए या फिर किसी चीज के लिए प्रिपरेशन के लिए ना बहुत लोग एक साथ निकलते हैं, लेकिन क्या होता है, रास्ते में लोग पीछे हट जाते हैं किसी ना किसी रीजन से। आप बताओ कि लास्ट मोमेंट पे, आप बताओ कि लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, कंपटीशन और कम हो गया कि नहीं हो गया ऊपर चढ़ने वालों की? यस तो ये भी आप लोग का लास्ट मोमेंट चल रहा है, बहुत लोग पीछे हट जाएंगे और सीधा फोकस कर लेंगे बोर्ड पे, जबकि ना आप लोग सोच रहे होंगे कि कंपटीशन ज्यादा हो रहा है। नहीं, कंपटीशन कम हो रहा है, जितना आप लोग नजदीक जाओगे ना कंपटीशन और कम होता जाएगा, लोग छोड़ के भागने लगेंगे ऐसे। और जो एकदम बना लिया, मन बना लिया कि पहुंचना ही है, वो पहुंच जाएगा, उसको को तो कोई नहीं रोक सकता उसको, समझे क्या आप लोग? उसको कोई यस भी नहीं रोक सकता, जिसको जाना है वो एकदम जाएगा ही जाएगा। आई होप किसी को भी किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। हेलो कोमल, कैसे हो? और आप लोग ना अब से रेगुलर क्लास में आना, ये मत बोलना कि ये प्रॉब्लम हो गया वो प्रॉब्लम हो गया। अगर आप लोग यहाँ से, अगर आप लोग बहाना बनाना स्टार्ट करोगे ना, या फिर किसी भी रीजन से, मैं बहाना वर्ड गलत यूज करती है, किसी भी रीजन से, तो देखो रीजन्स कभी भी खत्म नहीं होते, ये मान के चलो रीजन्स कभी भी ना फिनिश नहीं होते, वो रीजन्स आता रहता है। लेकिन आप लोग इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर जैसे कि मानो कि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं किसको दोष दूंगा, घर वालों को दूंगा, और क्या हो जाएगा यार उससे, कुछ तो होगा नहीं ना, कोई कुछ कर तो नहीं सकता ना, जनरली क्या होगा, यस सर। नुकसान मेरा ही होगा।
नुकसान मेरा भी, लास्ट में कोई क्या कर लेगा, मैं बोल दूंगा कि मैं मम्मी की वजह से पढ़ नहीं पाया, क्या फर्क पड़ जाएगा किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आओ बातें करते, आओ ना हम लोग। देखो तो मैं रिवीजन का स्ट्रेटजी बनाया हूँ, हमारे पास दो क्लासेस है, एक आज है और एक कल है। ठीक है, एक आज एक कल है। आज हम लोग 11th वाला पोर्शन रिवीजन कर लेते हैं, कल कौन सा पोर्शन रिवीजन करेंगे, 12th वाला करेंगे। तो सबको सबको आई होप सिलेबस एवरीथिंग पता होगा। यस सर। तो यहां से आप लोग पीछे मत हटना, यहां से जो पीछे हटा उसका नुकसान ही होगा। तो आपका बोर्ड आ जाए चाहे एग्जाम्स आ जाए, आपको पढ़ना है। देखो इतना तो मैं मान लो ना कि प्री बोर्ड में तो आप लोग पास हो ही जाओगे, मिड टर्म है ना, इसमें तो आप लोग पास हो ही जाओगे। तो इसकी वजह से आप लोग ये क्लासेस छोड़ोगे ना तो बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या पता आपका अच्छा चीज मिस हो जाए। और ये लास्ट मोमेंट चल रहा है, लास्ट मोमेंट पे बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कोई भी चीज। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिवीजन क्लास फॉर मेजर टेस्ट, जो हमारा अपकमिंग संडे यानी कि 6 अक्टूबर को जो मेजर टेस्ट होने वाला है ना, उसी के लिए हम क्या करेंगे, रिवीजन क्लास देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, आओ सिलेबस देख लेते हैं। जो हमारे पास सिलेबस है ना, जो 6 अक्टूबर के लिए सिलेबस है ना, ग्रेड 11 से 40% पूछेगा। अगर मान लो हमारे पास 30 क्वेश्चन है ना, तो 30 क्वेश्चन का 40% कितना हुआ, कुछ ऐसे हुआ ना, यानी कि 12 क्वेश्चन तो नियर अबाउट 11 से पूछेगा, बाकी 18 क्वेश्चन किससे पूछेगा, 12 से पूछेगा। और आपको पता है कि लास्ट में 5 क्वेश्चन का बफर मिलता है, यानी कि लास्ट 10 क्वेश्चन में केवल और केवल कितने करने होते हैं, 5 करने होते हैं। तो देखो कि जो हमारा 40% सिलेबस है, ध्यान से देखो उसमें क्या क्या है, पी ब्लॉक है, और पी ब्लॉक में भी क्या क्या है, बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। उसके बाद है आईयूपीएससी नॉमिनिक्लेचर, जीओसी, हाइड्रोकार्बन। अब आओ बात कर लेते हैं 12th का। 12th का हमारा 60% सिलेबस कवर करेगा। 12th में क्या क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब पी ब्लॉक में देखो, पी ब्लॉक में आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली आ जाएगा, और क्या आएगा, हैलोजन एंड नोबल गैस आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ग्रुप 13 और 14 है, और यहाँ पे क्या है बताओ जरा, 15, 16 एंड 17 और 18। उसके बाद आपका डी एंड एफ ब्लॉक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, और हेलो एल्केन हेलोरीन है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई सबको? यस सर। इसके बाद हमने कौन कौन सा और चैप्टर पढ़ लिया, एल्कोहल फिनॉल इथर भी पढ़ लिया है, और डी एल्डिहाइड एंड कीटोन अभी हम कंटिन्यू किए हुआ, मतलब आधा फिनिश हो गया, आधा बचा हुआ। तो मैं जब भी एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाऊंगा ना, तो एक क्लास तो रिवीजन क्लास के लिए रखूंगा, जो मैंने 4 लेक्चर अभी तक पढ़ा रखा है ना, उसी को रिवाइज कराऊंगा पहले। आई होप सबको क्लियर हो गया एजेंडा क्या है हमारा। बात करते हैं आगे, सबसे पहले हम ना बोरान एंड कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स के पीवाईक्यू कर लेते हैं। क्लियर है, बता दो इसका आंसर। मैंने कई बार इसका बताया आंसर, कई बार ही बताया, मुझे याद है अभी। आप लोग को आंसर याद होगा, कई लोगों को आंसर भी याद होगा, इतनी बार मैंने पढ़ा रखा है। बताओ बताओ आंसर बताओ इसका। सेकंड। देखो युवराज को याद है, युवराज आपको याद है या फिर सॉल्व करके कर रहे हो? देखो सिंपल सी बात, देखो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन मोर अबंडेंट आइसोटोप ऑफ बोरॉन। सबसे पहली बात, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो हमारा सेम होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, अलग अलग होगा। जो हमारे पास बोरान का यह वाला आइसोटोप्स होता है ना, यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आप बताओ कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट, आप बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 6 है ना, अरे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6 होगा, न्यूट्रॉन 6 होगा। ठीक है, इसको आप मान लो एक्स मान लो। और उसके बाद क्या दिया, एमार्फस बोरान अपकमिंग हीटिंग विथ एयर। अब मान लो बोरान है हमारे पास और एयर के साथ इसको हीट कर रहा है, तो हमारे पास क्या बनता है, कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, B2O3 बनता है। अब ये बोल रहा है कि इसमें जो B2O3 है ना, उसमें बोरान का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, बताना जरा कितना आएगा सर? 6 सर। 3 देखो रुक जाओ, आप इसको 2x मानोगे, x मान लोगे 2 टाइम्स है तो 2x हो जाएगा, और फिर से माइनस प्लस 3
और एक ऑक्सीजन का होता है माइनस टू, ओवरऑल चार्ज जीरो है, तो एक्स बराबर प्लस थ्री आएगा ना, तो थ्री आएगा तो बिल्कुल, तो सिक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा ना, आंसर हमारा बी वाला सही होगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। हमारे पास क्या, हमारे पास बोरोन मतलब बताओ आप लोग क्या होता है एमॉर्फस का मतलब, एनीवन किसी को भी कुछ पता है? पाउडर्ड। क्या बोलो बोलो क्या होता है? पाउडर्ड फॉर्म में। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है। क्लियर है मेरी बातें? लिक्विड होगा तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड होगा तो सॉलिड फॉर्म में होगा, एमॉर्फस होगा तो ये देखो द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, देखो चार स्टेटमेंट हमें दिया ए बी सी डी, पांच दिया, बोला करेक्ट वाला कौन है, क्या लिखा हुआ है, ये सब एनसीईआरटी का मैंने पढ़ाया हुआ है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। आप ये बताओ पहली बात बोरान वाले फैमिली में कौन होता है, ब अल बैगन आलू गाजर इन थैला थाली, तो आप बताओ सबसे बड़ा कौन होगा, ये होगा। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद ये होगा sir. अब इन दोनों में बताओ जरा। यस सर। एल्युमिनियम सर, ये एल्युमिनियम पहले होगा, फिर गैलियम, फिर बोरॉन। तो एल्युमिनियम और गैलियम है ना एक्सचेंज हो जाता है, इन दोनों में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो एल्युमिनियम क्या आ जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है और गैलियम ऊपर आ जाता है, और कुछ ऐसे होता है। बोलो क्या बातें मेरी सही है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। बोलो बोलो, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस का आप लोग ना इसके लिए एनसीईआरटी प्रीफर करना, यह बातें तो बिल्कुल सही है, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। क्लियर है मेरी बातें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब बोला की ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, मैंने आपको एक सिग्नेचर वाला बताया था क्या? यस सर। हाँ, तो सिग्नेचर वाले में क्या बोला था, बोरान एल्यूमिनियम जो भी हो इस तरह से जाएगा, तो सबसे ज्यादा बोरान का होगा और सबसे कम एल्यूमिनियम का होगा, कुछ ऐसे मैंने सिग्नेचर वाला ट्रिक आपको बताया था, ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज नहीं होता, ये बातें तो गलत है, यानी कि हमारे पास क्या है, बी वाला गलत है। उसके बाद देखो एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट H2 बट कंसंट्रेटेड HNO3 एल्यूमिनियम पैसिव फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑफ ऑन द सर्फेस, या सीधा से सीधा डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन। यस सर, करेक्ट, एनसीईआरटी का लाइन। अब देखो लिखा हुआ कि ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एक्साइबिट हाईली स्टेबल प्लस वन, अरे यार इसमें प्लस थ्री होता है ना। यस सर। ऊपर से नीचे आते हैं तो वन वाला क्या होता है, स्टेबल होने लगता है, और क्यों स्टेबल होने लगता है प्लस वन वाला, प्लस थ्री ऊपर से नीचे आने पे प्लस वन वाला स्टेबल होने लगता है, क्यों होने लगता है बताओ। मैंने इसका रीजन भी बताया, रेडियस बढ़ जाता है, रेडियस नहीं बढ़ता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम बताया था मैंने आपको, बताओ दीपांशी गुरमनंत आप बताओ। तीसरा मैंने बोला था ना ऊपर से नीचे आने पर रेडियस क्या होने लगता है, रेडियस पेयर इफेक्ट पड़ता है। यस सर, पड़ता है। तो लास्ट दो वाले में प्लस वन ऑक्सीडेशन और 14वें वाले ग्रुप में प्लस टू ऑक्सीडेशन, स्टेट की वैल्यू क्या हो जाती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब डी वाला देखते हैं, डी वाला तो हो गया, ई वाला देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्युमिनियम इन इतना आयन इज sp3d2, करेक्ट है सर, करेक्ट है बिल्कुल। यस सर, करेक्ट है। तो हमारे पास कौन कौन सा करेक्ट है, सी एंड ई वाला करेक्ट है, ई वाला करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन थ्री हमारा क्या होगा, करेक्ट। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ो, ये जरा बता दो आप लोग, द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बता दो आप।
कौन ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा? SN2 plus सिंपल सी बात बताओ कि आओ हम पहले लिख लेते हैं ब अलगा इंटल ब अल का इन टल, उसके बाद कौन आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सन, पब। क्या कुछ ऐसे आता है क्या, बताओ जरा। यस सर, ऐसे आता है। यह होता है प्लस थ्री, यह भी होता है प्लस थ्री, यह भी होता है प्लस थ्री, और नीचे आने पे प्लस वन की स्टेबिलिटी क्या होने लगती है? पढ़ने लगती है। यह प्लस फोर है, प्लस फोर है, प्लस फोर है, नीचे आने पे प्लस टू की स्टेबिलिटी क्या होने लगती है? बढ़ जाती है, लगती है। अब ये बोल रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या करेगा? रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा, यानी कि ज्यादा से कम वाले में जाएगा। तो आप बताओ कि पीबी जो है, पीबी प्लस फोर में रहना पसंद करेगा कि प्लस टू में? जो प्लस फोर वाला है क्या इसका रिडक्शन होगा? क्या प्लस फोर से प्लस टू में जाएगा क्या? इसी बात इसका तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो यह वाला तो पक्का होगा। उसके बाद बताओ जो हमारे पास ये कैलियम प्लस SN4 का SN2 जा रहा है ना सर, वैसे मैं बताता हूँ, जो ऊपर से नीचे आता है ना तब जाके इसका क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो सबसे बड़ी बात है ना, नीचे वाले का ना सबसे ज्यादा होगा। इसका भी छोड़ दो, इसका ना आपका मैं बता रहा हूँ प्लस वन और प्लस थ्री दोनों आता है, यह भी प्लस वन और प्लस थ्री दोनों आता है, ठीक है? तो जो हमारे पास TL है, TL ये TL सबसे नीचे है ना, यह भी प्लस वन में रहना चाहेगा। यस सर, यह भी हमारे पास क्या होगा, यह भी हमारे पास वही कंडीशन दिखाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? तो यही दोनों केवल जाना चाहेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, केवल और केवल सेकंड ऑप्शन। हाँ जी, SN प्लस फोर जो है वो प्लस वन और प्लस फोर में एक्सिस्ट करेगा। देखो यह सॉरी प्लस टू एंड प्लस फोर, मैंने इसी का लिख दिया, ध्यान दीजिए प्लस टू एंड प्लस टू, ठीक है? डन, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये बताओ, इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रुप 14 एलिमेंट फॉर देयर करेक्टनेस। एक बार जरा बताओ कौन सा आंसर सही होगा, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। बताओ आप लोग, सर सीडी, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात देख लो आप लोग ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, कि लिखा हुआ है कि कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम सी टू पी बी। सबसे पहले बात, ग्रुप 14 में कौन आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और पीबी। क्या कुछ ऐसे ही आता है क्या? यस सर, देखो तो जैसे ही ऊपर से नीचे आओगे तो आप बताओ रेडियस
कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा सर, इंक्रीज। बिल्कुल इंक्रीज होगा, तो यह वाला तो हमारे पास बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम, इतना तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है क्या? नो सर। नो सर, इसका भी सिग्नेचर वाला ही कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये बताओ सी वाले का बताओ जरा। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज फोर, मैक्सिमम कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? फोर, चार। लेकिन बाकी सब जो है ना उनकी कोवेलेंसी बढ़ सकती है। रीजन इन्होंने क्या दिया है कि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या बातें सही है कि गलत है? यस सर, यस सर, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब इसमें क्या दिया हुआ ध्यान से देखना। लिखा हुआ हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पीपाई पीपाई बॉन्ड। क्या बातें सही है कि गलत है? सर सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो भी हैवियर एलिमेंट होगा ना इनका पी वाला तो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनके पास केवल डी बचेगा, डी वाला खाली डी बचेगा। तो डी वाले से बॉन्ड बनाएंगे, पी वाले से नहीं बनाएंगे। अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते तब जाके इनका पी वाला बॉन्ड बनाता, लेकिन थर्ड पीरियड सुपर वाले क्या बनाते हैं? डी वाले से बनाते हैं। क्या अभी भी बात है, अभी भी किसी को कुछ दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो इसका मतलब यह भी हमारे पास क्या है, डू नॉट फॉर्म पीपाई, यह भी हमारे पास बातें सही है। कार्बन कैन एक्साइबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बातें सही है कि गलत है? यस सर सही। देखो कार्बन जो होता है ना प्लस फोर से लेके माइनस फोर तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, यानी पॉजिटिव भी। आप बताओ, आपने कार्बोनायन भी सुना है और कार्बोकेटायन भी सुना है? यस यस सर। सुना है कि नहीं सुना है? तो आप yes, बताओ sir. यहां पे केवल और केवल नेगेटिव दिखाती है, यह भी बातें गलत है। यस yes, सर। तो सी डी होगा सर, थर्ड वाला सी डी। डन सर, बी वाला क्यों गलत है? लिखो, लिखा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था यह सिग्नेचर जैसे होता है, यानी कार्बन का सबसे ज्यादा और फिर उसके बाद कार्बन के बाद सिलिकॉन का कम, फिर ऐसे बढ़ते जाता है। इसका ना वैसे नहीं होता है, मैंने एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन आपको पढ़ाया है इसका, और आप लोग एनसीईआरटी ही फॉलो करना सर। और जो मैंने नोट से, हाँ जी सर, जो कार्बन होता है वो तो माइनस फोर भी हो सकता है, तो ई वाला गलत क्यों होगा? नहीं समझ आया? कार्बोकेटायन भी तो बनता है ना, बताओ। यस सर। क्लियर है किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। yes, चलो आप लोग जरा एक बार इसका बता दो। सर ऑप्शन बताओ, आप लोग इसका बताओ। सर थर्ड ऑप्शन। देखो लिखा हुआ है कि हमारे पास ना ये क्या दिया हुआ है, एसर्शन दिया है, रीजन दिया हुआ है, और आपको पता है कि ये 13 ग्रुप को दिया हुआ है। तो क्या होगा 13 ग्रुप का बताओ जरा। बोरान, ये बोला है द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम गैलियम टू हेलियम, कुछ ऐसे दिया हुआ। आप बताओ ऊपर से नीचे आने पे प्लस थ्री होता है और नीचे आने पे क्या होने लगता है, क्या प्लस वन होने लगता है क्या? यस सर। तो प्लस वन सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होगा? थैलियम का होगा, और थैलियम के पहले किसका होगा? इंडियम का होगा, और इंडियम से जस्ट मतलब ऊपर से नीचे आने पे प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। रीजन क्या दिया हुआ है? द इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबलाइज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि प्लस वन को कौन स्टेबलाइज करता है?
इनर्ट पेयर इफेक्ट करता है, तो आप बताओ कौन सा सही है? सर दोनों सही है, थर्ड। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। अब देखो मैं आपको अगले चैप्टर की तरफ लेके चलता हूँ। ये बताओ कि ये पता है क्या आपको ना, बोरान एंड कार्बन फैमिली का केवल और केवल नहीं प्लस वन नहीं करता, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे पढ़ने लगता है प्लस वन। तो एक चीज और देख लो, रोहित बंद कर लो माइक एक बार। आप लोग ये बताओ, सिंपल सी बात है, आप लोग खुद ही बताओ कि अब हम लोग ने ना बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली का पी वाई क्यू कितने साल पिछले साल पूछा, आप बताओ। आप लोग को टफ लगा क्या? आप लोग केवल और केवल एनसीईआरटी अगर संडे किसी संडे को मिलकर दो घंटे भी पढ़ लोगे ना, आपसे एक क्वेश्चन तो इसका चार नंबर तो फिक्स हो जाएगा, डायरेक्टली आपके हाथ में है चार मार्क्स। दो घंटे में आप लोग का चार मार्क्स, इतना पढ़ रहे हो ना, दो घंटे में आप लोग का चार मार्क्स। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना इसका, ठीक है? खासकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, इंथैल्पी, रेडियस, इन्हीं सब चीजों में आपको फंसाएगा, उल्टा सीधा करके इन्हीं सब चीजें में आपको फंसाएगा और आप लोग फंस जाओगे, समझे? तो अब मैं बात करता हूं, अगला जो हमारा चैप्टर है ना, अगला जो हमारा चैप्टर वह कौन सा है बताओ जरा? नॉमिनिक्लेचर और जीओसी। क्या है हमारा? नॉमिनिक्लेचर और जीओसी। जीओसी तो हम लोग नॉमिनिक्लेचर और जीओसी के बारे में देखेंगे। तो हमारे पास पता है क्या, टोटल मैं बताऊं ना, तो पिछले बार जो अप्रैल के सेशन में ना 35 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया था, 37 10 सेट होता है। तो आप बताओ कि नॉमिनिक्लेचर और जीओसी मिला के टोटल कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? दो क्वेश्चन तो फिक्स एक चैप्टर से, यानी कि नॉमिनिक्लेचर और जीओसी मिला के टोटल कितने क्वेश्चन फिक्स है बताओ? चार क्वेश्चन फिक्स है एक चैप्टर, फोर क्वेश्चन फिक्स है। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो यह हाई वेटेज वाला चैप्टर है, आप लोग ना इलेवेंथ को हल्के में मत लेना कभी भी, इलेवेंथ को आप लोग हल्के में मत लेना, नहीं लोगे ना हल्के में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो चलो जरा आप लोग इसका आंसर बताओ आपकी स्क्रीन पर। यार सर फर्स्ट ऑप्शन बताओ जरा, अब ये बताओ कि आप बताओ कि हमारे पास यह एनिलीन दिया हुआ है, इसका नाम क्या है बताओ जरा? एनिलीन है, क्या नाम है? एनिलीन है, एनिलीन। और मैंने आपसे बताया था कि अगर मान लो किसी के पास लोन पेयर है, यह अंदर रेजोनेंस करेगा क्या? बोलो। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजोमेरिक इफेक्ट, यानी कि प्लस एम है क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या फिर प्लस एम बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? प्लस आर बोल सकते हो। तो आप बताओ कि पहला किससे मैच कर रहा है, क्या पहला फोर्थ वाले से मैच कर रहा है क्या? यस सर, फर्स्ट वाला। देखो जरा, देखो जरा कि हमारे पास एक फोर्थ कहीं है क्या, आपको डायरेक्टली दिख रहा है फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन। इसमें बी को थर्ड दिया, बी को थर्ड दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रो प्लस ई इफेक्ट है। प्लस ई इफेक्ट का क्या मतलब है? जैसे कि आप बताओ, प्लस ई इफेक्ट का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रो, यानी कि इलेक्ट्रो कहाँ पे बनेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहाँ पे बनेगा, यह शो कर रहा है, ठीक है? क्लियर है? अब मैं डी वाले का दिखा रहा हूँ, डी वाले का। यह NO2 ग्रुप है, आप बताओ यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि विड्रॉइंग ग्रुप है? विड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छा, ऐसी बात है, जब विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्या? जब रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो प्लस आर होगा या फिर माइनस आर होगा? माइनस आर। सर माइनस आर हो जाएगा। क्या सबको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? देखो सिंपल सी बात है ना, कि इसके पास पाई बॉन्ड है तो यह इधर खींचेगा और यह इधर खींच लेगा। यह पता है क्या, यह माइनस आर शो करेगा, यह रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लाना, आप इसको माइनस आर बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? माइनस एम बोल सकते हो। तो फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा? फोर्थ वाले का हमारा सेकेंड हो जाएगा। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि माइनस की इफेक्ट, यानी कि माइनस वाला किस पर अटैक करेगा? उसको करेगा। तो यही वाला हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। यहाँ तक मतलब इस वाले में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा एक बार, आप लोग कर लोगे? यस
कर लोगे। अब देखो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। लेसाइन टेस्ट पता है क्या होता है? अगर मान लो कि हमारे पास कोई कार्बन है, कार्बन में नाइट्रोजन है या फिर सल्फर है या फिर कोई हैलोजन है, तो यह बताता है ना कि हाइड्रोकार्बन में नाइट्रोजन जुड़ा है कि सल्फर जुड़ा है कि क्लोरीन जुड़ा है। तो यह कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर इन सब चीजों का क्या करता है, टेस्ट करता है कि इन सब यह चीज है कि नहीं है। और पहली बात क्या होना चाहिए कि वह कंपाउंड ऑर्गेनिक होना चाहिए। जब ऑर्गेनिक होगा तभी यह लेसाइन टेस्ट करेगा। कंपाउंड क्या होना चाहिए अभी मैंने पढ़ाया नहीं आप लोग को, मैं बताऊंगा इसके लिए ना 2 घंटे का एक स्लॉट रखा है, उसमें आप लोग को प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में मैं बताऊंगा। तो पहली बात आप बताओ, यूरिया का फोटो क्या होता है, क्या होता है? NH2। आप बताओ क्या इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या ये? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप बताओ इसमें नाइट्रोजन है, यह टेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा सर। दूसरा क्या है हमारे पास? फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन का आपको फोटो मैंने बताया था जी सर। बोलो, यही होता है ना फेनिल हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन हो जाएगा और यह फेनिल हो जाएगा। आप बताओ इसमें भी कार्बन है और इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, यह भी टेस्ट देगा कि नहीं देगा? यस सर, देगा सर। ग्लाइसिन का फोटो बताओ क्या होता है ग्लाइसिन? ग्लाइसिन आप बताओ, एक एमिनो एसिड है क्या ग्लाइसिन? यस सर। यस सर। नहीं पता है आप लोगों को ना, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को प्रोटीन वाले में बताऊंगा जब आप बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे। तो ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है और इसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है और नाइट्रोजन होता है, ठीक है? यह भी वाला हाइड्रोजन का फोटो ना। हाँ हाँ, फर्स्ट एमिनो एसिड ग्लाइसिन ही होता है, ठीक है? तो टोटल ना 20 एमिनो एसिड होते हैं, 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन। एमिनो एसिड प्रोटीन होता है एक तरीके से। तो पता है क्या होता है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल? इसेंशियल का मतलब कि हमें आवश्यकता है, वह हमारी बॉडी नहीं बनाती है, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से लेते हैं, जो भी खाना वगैरह खाते हैं ना हम बाहर से लेते हैं। और नॉन इसेंशियल का मतलब हमें जरूरत नहीं है, इसका मतलब हमारी बॉडी खुद ही बना रही है तो हमें क्या जरूरत है, समझे क्या? तो टोटल ऐसे 20 एमिनो एसिड होता है, उसमें से कुछ कुछ एरोमेटिक होता है, कुछ नॉन एरोमेटिक होता है, कुछ एसिडिक होता है, कभी कभी पूछ देता है बताओ कौन एसिडिक है कौन नहीं है, ठीक है? तो ग्लाइसिन में भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये क्या होगा, यह भी यह टेस्ट देगा। हाइड्रोजन का फोटो बताओ, हाइड्रोजन मैंने पिछली क्लास में बताया था NH2, इसी को हाइड्रोजन बोलते हैं ना? यस सर। तो आप बताओ क्या इसमें कार्बन है क्या? नो सर। टेस्ट देगा कि नहीं देगा सर? नहीं 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 देगा ना, नहीं देगा। तो हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो क्या देगा सर? इनऑर्गेनिक होएगा। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, इसमें कार्बन है ही नहीं, क्लियर है? यस यस। ग्लाइसिन क्या? ग्लाइसिन होगा ना, कार्बन। ग्लाइसिन नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा। ग्लाइसिन में तो कार्बन होता है। ओके सर, क्लियर है? Yes, sir. देखो एक अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन वो यह बोल रहा है ना कि इनमें से कौन एक दूसरे के ऊपर ना भारी पड़ जाएगा। भारी पड़ने का क्या मतलब है अभी मैं बताता हूं, अभी ध्यान से देखना क्वेश्चन आपके सामने कुछ यार, क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसे है। क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसे, ध्यान से देखो क्या लिखा है। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज अनकरेक्ट स्टेटमेंट, लिखा हुआ है। क्या कर दिया है मैंने, कुछ क्वेश्चंस मैंने वो कर दिया है। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, और लिखा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट। ये मैंने आप लोग को बताया था ना, ये आप वैसे 11th का पार्ट है, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखो हाइड्रोजन आयन सो नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ऑली, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? देखो
पता है क्या, मैं एक बात सुनो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको कभी भी प्रायोरिटी लेना हो ना, तो सबसे पहले आप वैल्यू दोगे किसको, मेजोमेरिक इफेक्ट को, फिर उसके बाद किसको दोगे, हाइपर कंजुगेशन को, हाइपर कंजुगेशन के बाद किसको दोगे, इलेक्ट्रोमेरिक को दोगे, इलेक्ट्रोमेरिक के बाद इंडक्टिव इफेक्ट। यह ऑर्डर तो आप लोग याद कर देना, सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दोगे बताओ, मेजोमेरिक को। अगर ये बताओ कि कहीं मेजोमेरिक भी लग रहा हो, इंडक्टिव भी लग रहा हो, तो आप सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दोगे, मेजोमेरिक को, ठीक हो। अगर कहीं भी दोनों लग रहा हो ना, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दोगे बताओ जरा, मेजोमेरिक। मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, जैसे कि देख लो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है हमारे पास NH2 है, कुछ ऐसे है, आप बताओ किसके पास लोन पेयर है, बोलो। लोन पेयर है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा क्या, बताओ। यस सर। देगा सर। तो आप बताओ क्या यह प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। और आप बताओ यह कार्बन है और यह नाइट्रोजन है, तो आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा या इंडक्टिव इफेक्ट से, तो माइनस आई लगा रहा है। तो आप बताओ, एक तो खींच रहा और एक दे रहा है, तो किसको हम ज्यादा मानेंगे, हम कभी भी मेजोमेरिक को ज्यादा मानेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है, क्लियर है। तो मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, जीत जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, किसको डाउट है बताओ, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। तो जो हाइड्रोजन आयन होता है ना, H+O नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट, कुछ चीजें ना आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 11th की चीजें हैं। आगे बढ़ू मैं, yes, आगे बढ़ता हूँ, आप जरा इसका बता दो, आप इसका बता दो, इसका क्या होगा, ये आइसोमर का क्वेश्चन है, आइसोमर का क्वेश्चन। ये बताओ क्या यह एल्केन है, क्या एल्केन, C7H16 एल्केन आपको दिख रहा है, यस yes, सर। इसका मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बताओ क्या यह रिंग बनाएगा, रिंग नहीं बनाएगा, रिंग बनाएगा ना तो साइक्लिक हो जाएगा, और साइक्लिक वे में यह वाला फॉर्मूला नहीं लगता है, ये कभी भी बिना रिंग का होगा। तो आओ हम बनाए, क्या मिलके बनाए, आप लोग कॉपी पे बनाओ, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या यह वाला फिक्स है, बोलो, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह भी वाला फिक्स है, बोलो, क्लियर है। तीसरा देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह भी वाला हो जाएगा, पॉसिबल है, यस सर, पॉसिबल यह भी है। अब मैं और ये बताओ, चौथा देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह वाला बताओ, यह वाला पॉसिबल है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं, यस सर, सर है, पॉसिबल है, यस यस सर, क्लियर है। अब देखो हमारे पास क्या है, 3, 4, 5, 6, एक बार के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये बताओ यह वाला पॉसिबल है कि नहीं, नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यह दूसरे वाले से मैच कर जा रहा है, yes. दूसरे वाले से क्या हो जा रहा है, मैच कर जा रहा है, यह वाला पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं तो कुछ अलग हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूं ना सर, फोर्थ वाला भी तो थर्ड से मैच कर रहा है, क्या फोर्थ वाला भी तो थर्ड से मैच कर रहा है, थर्ड से नहीं मैच कर रहा है, ये बताओ, अच्छा 1, 2 तीसरे पे ना, 1, 2, हाँ जी, ये अभी वाला पॉसिबल नहीं है, फोर्थ वाला भी क्या है हमारे पास, पॉसिबल नहीं है, मैं दिखा देता हूँ, देखो एक बार देखो जरा, फोर्थ वाला किससे मैच कर रहा है, थर्ड वाले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फोर्थ वाला भी क्या होगा बताओ, पॉसिबल
नहीं होगा। अब ना पहले हम छह नंबर, पहले हमने सात नंबर का कार्बन चेन बनाया, फिर छह नंबर का बनाया, अब हम कितने नंबर का बनाए बताओ जरा। अब हम बनाते हैं पांच नंबर का, कितने नंबर का बनाते हैं बताओ? पांच नंबर का बनाते हैं। तो देखो एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। अब हम बनाते हैं फाइव नंबर का बनाते हैं। तो टू थ्री फोर फाइव हो गया, क्लियर। एक यहाँ पे कर दे रहे हैं, एक यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है? दो तीन चार पांच, यह बताओ यह वाला पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। अब सातवां देख लेते हैं, एक दो तीन चार पांच हो गया, एक यह वाला, एक यह वाला पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है ना? पॉसिबल है। अब आठवां देखते हैं, एक दो तीन चार पांच, मैंने छह बना दिया लग रहा, पांच हो गया, एक यह वाला, एक यह वाला पॉसिबल है कि नहीं है? यस सर, हो गया। तो पांच नंबर का हो गया। पांच नंबर में कार, पांच नंबर की चैन में कोई और भी पॉसिबल हो सकता है क्या? एक बार सोचो आप लोग, मुझे तो नहीं लग रहा होगा। अब हम कितने नंबर का बनाते हैं? चार नंबर का बनाते हैं, एक दो तीन चार, चार नंबर का हो गया। यस सर। अब देखो चार नंबर में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कितने कार्बन और बचे? तीन कार्बन, तीन कार्बन और बचा है ना, एक यहाँ पे कर लेते हैं, दो यहाँ पे कर लेते हैं, बताओ सही है क्या? यस सर, इसका रिवर्स में ट्राई भी तो हो सकता ना? नहीं, तीन नहीं हो सकता है क्योंकि कार्बन के में चार वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। दिक्कत किसी को हो चुका है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यह जरा बताना आप लोग, एक दो तीन चार पांच हो गया, यह वाला पॉसिबल है कि नहीं? पांच दो सात हो गया। किसी से मैच तो नहीं कर रहा ना ये? वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं, मेरी वॉइस नहीं ब्रेक, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। ये बताओ कि टेंथ वाला किसी से मैच कर रहा है क्या? नो सर। तो कर लोगे आप लोग ऐसे? बताओ सर, फाइव वाले में हम टू सेकंड कार्बन पे दो लगा सकते हैं? सेकंड कार्बन पे दो मतलब? मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, लगाया तो हूँ ना मैं तो। अच्छा ठीक है सर। यस सर, ओके। और भी कहीं बताओ, किसी को कुछ भी डाउट हो रहा हो? और भी कहीं किसी को डाउट हो रहा हो कि नहीं ये वाला कर सकते हैं क्या, ये वाला कर सकते हैं क्या? सोचो आप लोग एक बार जरा। कोई ऐसा लग रहा हो कि आप लोग, मैंने डबल बना दिया है? कोई भी ऐसा लग रहा है मैंने डबल बना दिया? हो जाएगा ना? बहुत सही हो सारा। आगे बढ़ेंगे। टोटल कितने बनेंगे? क्या किलो टोटल कितने बनेंगे? काउंट करो देखो कितना आ रहा है। ठीक है, डन। और नहीं बन सकता सर? क्या अब नहीं बन सकता? आप पॉसिबल हो तो बताओ, बन सकता है बिल्कुल, अगर पॉसिबल हो तो। सर टेंथ वाले में इथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे? टेंथ वाले में इथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे? चलो मानो मैंने ऐसे बना दिया, तो क्या कुछ ये तीसरे वाले से मैच नहीं कर जाएगा? बोलो। आप कॉपी पे बना के चेक करो ना, मेन चेन में लेके फोर कार्बन हम प्रोपाइल ग्रुप लगा सकते हैं। हम चार, हम कितना कार्बन मेन कर लिए, ये ऐसे ले लें, चार कार्बन को हमने मेन ले लिया, अब क्या करें? प्रोपाइल कर दिया, प्रोपाइल को दो तीन चार पांच छह। आप बताओ तीसरे नंबर पे कहीं कुछ आ रहा है क्या? एक साइड द्वारा क्या तीसरे जैसे मैच नहीं कर रहा है तीसरे वाले से? बोलो।
देखो जरा, यस सर, 1 2 3 4 5 6 मैच नहीं कर रहा है, बताओ कर रहा है और भी किसी का कोई कंसर्न, और भी किसी का कोई कंसर्न है? बोलो बोलो, कुछ नहीं है ना, सर आगे बढ़े। यस सर, यस सर, चलो जरा ये बताओ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, इन कार्ब एनायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? इसमें आप लोग को एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पता होना चाहिए कि क्या होता है ये सब चीजें। देखो सबसे पहले आप लोग कुछ बातें लिखो कि आप लोग एरोमेटिसिटी पढ़ोगे, आज क्या पढ़ना है आपको? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको क्या करोगे, पढ़ोगे अच्छे से, कोई भी आधे घंटे का लेक्चर देख लेना, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, समझे कि आप लोग क्लियर है? अब देख लो कि जो मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक, सॉरी सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, एरोमेटिक, और उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक, ठीक है? तो एंटी एरोमेटिक सबसे कम होता है। तो सिंपल सी बात है, जो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो फॉलो करता है ना, वह क्या होता है, वह एरोमेटिक होता है, और जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, यह क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। इसके लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या है, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है, सभी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनर बोलते हैं, वह मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या है, हकल रूल फॉलो करना चाहिए, हकल रूल यानी यही हकल रूल है, ठीक है? अगर यह तीन जहां आपको मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है, वह एंटी एरोमेटिक है चाहे एरोमेटिक है, क्लियर है क्या? तो अब देखो, जब जहां 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा ना, वहां n की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 कुछ ऐसे जाएगा, और जहां एंटी एरोमेटिक होगा वहां पे क्या होगा, 1 2 3 ऐसे होगा, और एरोमेटिक में 0 से स्टार्ट होता है। तो सिंपल सी बात बताओ, फोर्थ वाले में हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 4 है, और 2 यहाँ पे, यह लोन पेयर भी डीलोकलाइज करता है, तो यह भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। तो जहां भी आपको 2 6 10 और 14 या जहां भी आपको इलेक्ट्रॉन दिख जाए, इसका मतलब क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक है। और एक बात और देख लो, जहां भी आपको 4 8 12 और 16 यह दिख जाए, तो इसका मतलब क्या है, एंटी एरोमेटिक है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। और पहली बात, जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक है ना, उसमें रेजोनेंस भी होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस। आप बताओ पहले वाले में कितने, डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक होगा, बोलो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पहले वाले में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 4 होगा, यस सर। सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, बोलो जी सर। अरे भाई, 4 एंटी एरोमेटिक होगा तो सबसे कम स्टेबल यही होगा ना, और बचा बी और सी वाले में, तो जो सबसे बड़ा रिंग वह ज्यादा स्टेबल, तो सबसे बड़ा रिंग 5 मेंबर का, तो सी वाला हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। तो आप लोग ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग एरोमेटिसिटी आज पढ़ के आना, एरोमेटिसिटी आप लोग को क्या करना है, आज पढ़ के आना है, क्लियर है क्या मेरी बात है? क्लियर है सर। ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाला रिंग हमेशा स्टेबल तो नहीं होता, हमेशा ही होता है, क्योंकि पता है क्या, स्ट्रेन कम होता है, स्ट्रेन का मतलब कि ना, वो जो खिंचाव होता है वो कम होता है उन लोगों में। ठीक है। चलो इसका बताओ, इसका मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, बताओ इसका, ये सब एनसीईआरटी का, डायरेक्टली एनसीईआरटी का। क्या टीचर,
क्या बोलते हैं बताओ जरा, कैटेकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेकॉल बोलते हैं। आपको पता है ना कुछ ऐसे होता है, बेंजीन रिंग हो जाएगा, एक पे ओएच हो जाएगा और दूसरे वाले पे भी ओएच हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेकॉल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? और ये बताओ कि हमारे पास पहले नंबर पे और फोर्थ नंबर पे होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? क्विनोल, क्विनोल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? ये कुछ चीजें आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अब यह वाला क्वेश्चन आप लोग बताओ, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। इसको मैं लास्ट में कराऊंगा, इसको आप लोग छोड़ दो, इसको मैं लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, चलो ये आप लोग बताओ कि इसमें कितना आंसर आएगा। ये नॉमिनक्लेचर से है, यह मिक्सिंग का क्वेश्चन है, मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ, जिसको नॉमिनक्लेचर अच्छे से आ गया वो कर लेगा। क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं है। ये बताओ नॉमिनक्लेचर में, बताओ नॉमिनक्लेचर में क्या लिखा, ये बताओ। सबसे पहली बात है कि वर्ड रूट कितने कार्बन का है? छह कार्बन का है कि नहीं है? सिक्स, यस सर, सिक्स कार्बन का, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। क्या बातें क्लियर है यहाँ तक? यस क्लियर है। अब ये बताओ दूसरे पोजीशन पे क्या दिया हुआ है? ये बताओ ओइक एसिड लिखा हुआ है ना? यस सर, यस सर। सबसे पहली बात है फोर पे आयन दिया हुआ, यानी फोर्थ पोजीशन पे क्या दिया, आयन दिया। आयन का क्या मतलब है? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड ना। आयन का क्या मतलब है? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है क्या मेरी बात है? अब ये बताओ, अब यह दिया हुआ सेकंड नंबर पे आपका ऑक्सो दिया हुआ, ऑक्सो का पता है क्या आपको? कीटोन वाले ग्रुप में ऑक्सो बोलते हैं, कीटोन वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऑक्सो बोलते हैं। और जब यही फंक्शनल ग्रुप जैसे तरह काम करेगा तो इसको ओ या नहीं बोलेंगे, ओन बोलेंगे। ठीक है, okay, उसके बाद लिखा है ओइक एसिड। ओइक एसिड का क्या मतलब है? डबल बॉन्ड ओएच, ओएच। क्लियर है क्या? अब जरा बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बता दो, पाई बॉन्ड कितने हैं? सर फोर, चार है, चार पाई बॉन्ड है, एक दो तीन चार, चार पाई बॉन्ड, चार बताओ। और सिग्मा नाइन है। देखो ये बताओ यहाँ पे तीन हाइड्रोजन आपको मिलेगा? यस सर। तो तीन यहाँ पे हो गया और एक यहाँ, चार हो गया और एक यहाँ, पांच हो गया, यस सर, एक यहाँ छह हो गया, छह यहाँ पे आपको, सात, दो हाइड्रोजन मिलेगा, आठ, आठ हो गया, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह और यहाँ पे एक चौदह, चौदह, चौदह है ना? यस सर, फोर्टीन। नहीं समझ आया क्या? हाइड्रोजन को भी काउंट करना था। समझ गए सर, हाइड्रोजन ने किया था। गुरमनंत, यस सर, हाइड्रोजन वाला रहे, हाइड्रोजन को भी काउंट करना था, समझे क्या आप लोग? तो आप लोग समझ रहे हो कि आप लोग गलतियां कहाँ कहाँ कर सकते हो, बताओ। यस सर, यस सर। तो आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान दो कि गलतियां आप लोग कहाँ कहाँ कर सकते हो, जहां जहां गलतियां कर सकते हो ना, यही यही प्रैक्टिस होता है, यही कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, लेकिन आप लोग को गलतियां को सुधारना है। ये बताओ इसमें आप लोग कंफर्म बताना, आप लोग फोर्थ ऑप्शन, ये बताओ इथाइलिन का फोटो कैसे होता है? इथाइलिन का CH डबल बॉन्ड, CH कुछ ऐसे होगा,
पाई बॉन्ड तो हमारे पास एक ही होगा, पाई बॉन्ड एक होगा, सिग्मा बॉन्ड देखो एक दो तीन चार पांच, पाई फोर ए, फोर्थ वाला होगा क्या? यस सर। कंफर्म सभी कोई बताओ, डन? यस सर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जीओसी वगैरह से, आप लोगों को ना बेसिक कुछ पढ़ना है, ये एक बार एसर्शन रीजन पढ़ो, एक बार एसर्शन रीजन आप लोग पढ़ो। बताओ जरा कौन सा सही है? The first वाला। देखो सबसे पहले तो बताया है वन इज लेबल्ड एज ए सर्सन, देखो लिखा सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन फाउंड द मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म। सबसे पहली बात हमें एल्कीन बना लेते हैं कोई भी, तो एल्कीन मान लो कि हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, यह एल्कीन है, आप बताओ क्या यह सिस है क्या, बोलो। अरे सिस वाला है क्या, यह सिस है और इसी का हम क्या बना ले रहे हैं, ट्रांस बना ले रहे हैं, ठीक है, इसी का हम लोग क्या बना ले रहे हैं, ट्रांस बना ले रहे हैं। अब सिंपल सी बात देखो, अगर ट्रांस बनाएंगे तो यह एक साइड है और ये इसके अपोजिट साइड है, तो पता है क्या, ये इसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, लगभग जीरो के आसपास हो जाती है, और यह बताओ कि यह दोनों एक ही साइड दे रहे हैं, तो आप बताओ इसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो कभी भी सिस वाले की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, या ट्रांस वाले की पोलैरिटी कम होगी। क्या लिखा हुआ है, सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन ट्रांस फॉर्म, क्या बातें सही है कि गलत है? अब लिखा हुआ है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ टू ब्यूटीन इज, बताओ ये भी सही है। यह भी सही है, ठीक है, मैंने क्या बोला सर, एक बार दोबारा बता दो कि लेफ्ट हो गया था क्या सर, लेफ्ट देखो सिंपल सी बात है ना, जो जो सिस होता है ना सिस, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, जो ट्रांस वाला होता है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि यह दोनों अपोजिट साइड अपने करते हैं, वो खींचते हैं, और यह दोनों क्या होता है, सेम साइड ही इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसका जीरो नहीं होता, यानी सिस वाले का ज्यादा होता है, ट्रांस वाले का कम होता है। देख लो यहाँ से सिस वाले का ज्यादा बोला है, ट्रांस वाले का कम बोला पहले वाले में, और रीजन में क्या दिया हुआ कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज जीरो, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, नहीं समझे क्या, क्लियर है सर? सिस और ट्रांस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, सिस वाला एक पास हो जाता है ना तो हिंड्रेंस लगने लगता है, हिंड्रेंस। ओके एक मिनट रुको, मैं ना डायरेक्ट पीडीएफ ओपन कर लेता हूं, वैसे ज्यादा टाइम लगता है। काफी ज्यादा क्वेश्चन है, मैं आप लोग को पूरा पीडीएफ ये दे दूंगा, लगभग 38 क्वेश्चन का ये लिस्ट है, और आप लोग लगाते रहना, मैंने 10 क्वेश्चन तक बता दिया था, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, 11th क्वेश्चन में बताओ जरा आप लोग क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिया हुआ, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी दोगे, बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी दोगे, मैंने कुछ ही दिन पहले बताया आप लोग को, भूल गया लग रहा है, सबसे पहले आप अल्कोहल को दोगे, अब अल्कोहल वाले के बाद किसको दोगे बताओ जरा, कीटोन, कीटोन को दोगे, कीटोन को दोगे, और सबसे लास्ट सबसे लिस्ट में किसका आएगा, हाइड्रोकार्बन का आएगा, ये बताओ कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास बी वाला है तो बी वाला सबसे लास्ट में जाएगा, और अल्कोहल हमारे पास डी वाला है तो डी वाला सबसे क्या आएगा, फ्रंट पे आएगा, बताओ जरा कौन सा सही है
सेकंड क्लियर है क्या मेरी बातें? इसका बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? यह हमारे पास आपका मेन ग्रुप करके आएगा, यह आपका दोनों ब्रांच के जैसे आएगा, और ये आपका वो है, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आप बताओ ब्रांच में क्या क्या है, हाइड्रोक्सी और क्या है फॉर्मिल है, बोलो ये बताओ हाइड्रोक्सी और फॉर्मिल में सबसे पहले कौन आता है, एच या एफ? एफ, एफ आता है। तो एफ हमारे पास दूसरे नंबर पे था, 2 फॉर्मिल 4 हाइड्रोक्सी, 7 कार्बन है ना हेप्ट, और 6 वाले पोजीशन पे क्या है 3, और उसके बाद क्या होगा ओइक एसिड, यही कुछ होगा ना, बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड कौन सा सही है? सेकंड क्लियर है क्या? यस सर। फ्रेंड किसी को कुछ भी डाउट है? अरे बता दो, किसी को कुछ भी डाउट है क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा। अब देखो ये सब जीओसी के क्वेश्चन है। अब ये बताओ कि आप लोग ये तो कर लोगे ना, हमारे पास एन प्रोपेनॉल है और आइसोप्रोपेनॉल है, तो एन प्रोपेनॉल का फोटो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, और आइसोप्रोपेनॉल का फोटो कुछ ऐसे होगा। अब ये बताओ कि यह कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है बताओ जरा। पोजीशन आइसोमर, पोजीशनल वाला है ये, देखो 1 2 3 1 2 3। पहले बार में देखा जाए तो पहले नंबर पर OH है, दूसरे में दूसरे नंबर पर, यह कौन सा आइसोमर है, पोजीशन वाला है इसमें, क्योंकि इसमें पोजीशन चेंज हो रहा है। क्लियर है क्या? जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये बताओ कि यह लिखा हुआ नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का क्या होता है फॉर्मूला, कुछ ऐसे होता है, बोलो ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है, और आइसोपेंटेन का कैसे होता है, ऐसे होता है, क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? क्लियर है। अब सिंपल सी बात बताओ, यह दोनों में क्या क्या चैन आइसोमर है, क्या है चैन आइसोमर है, क्योंकि इसमें देखोगे तो 4 नंबर का चैन बनता है, इसमें 3 नंबर का चैन, तो चैन आइसोमर हो जाएगा। तो आप जरा देखना क्या क्या लग रहा है आपको, कौन सा सही है। डी का सेकंड आया है क्या कहीं, डी का सेकंड, उसके बाद ए का थर्ड आया है क्या कहीं, ए का थर्ड, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। कुछ भी डाउट किसी को, किसी को कुछ भी डाउट है, कोई डाउट नहीं है। यह किससे रिलेटेड है, यह प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है सर ये वाला जो क्वेश्चन है? हाँ हाँ ये मैं बताऊंगा लास्ट में, ये वाला मैं बताऊंगा, क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड है, मैंने काफी अच्छे से पढ़ा है इसको, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक से ही एमएससी है, ये मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से तो लास्ट में ही बताऊंगा। ओके सर ये मैं आंसर बता दूं क्या इसका? नो सर करेंगे कभी, करेंगे कभी। ये देखो यह लिखा है सॉल्वेंट, यह लिखा है सैंपल सी, सैंपल बी, सैंपल ए और यह बेस लाइन। तो सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट कहाँ तक गया हुआ है, 12.5 सेंटीमीटर, और सैंपल ए का पूछा है ना, सैंपल ए कहाँ तक गया हुआ है, 5.5। आपको करना क्या है, 5 by 12.5, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ जरा सर, 25 कितना आएगा कंफर्म है? यस सर 0.4 आएगा। क्लियर है क्या, 0. कितना आएगा, 4 आएगा। आप लोग इसको क्या कर सकते हो बताओ जरा, क्या आप इसको 100/40 लिख सकते हो? यस सर लिख सकते हो, तो यहाँ पे कट जाएगा तो 2.5 आ जाएगा, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 250 × 10^-2 भी लिख सकते हो।
यस वन अपॉन 25 नहीं नहीं टू हो जाएगा ये मैं लास्ट में बताऊंगा ठीक है आप लोग को आप लोग का जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा आपको मिड नवंबर के आसपास बताऊंगा ठीक है ओके सर अब ये बताओ कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है SO3H बोलो SO3H सेकंड देखो पता है क्या होता है सिंपल सी बात है मैंने आपको बार बार बोला कि सल्फोनेशन कराओ नाइट्रेशन कराओ नाइट्रेशन कराते हो तो NO2 बोलते हो सल्फोनेशन कराते हो तो SO3H बोलते हो क्या कुछ ऐसे बोलते हो क्या यस सर बिल्कुल तो हमारे पास क्या होगा SO3H होगा ठीक है ओके सर डन यह भी आपका किससे रिलेटेड है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है किससे रिलेटेड है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इसको छोड़ दो ये हमसे पूछ रहा है मेटामर पूछ रहा है मेटामर आपको पता है ना बीच में फंक्शनल ग्रुप होगा और एक साइड कार्बन चेन होगा दूसरे साइड कार्बन चेन होगा मान लो कार्बन चेन 12 नंबर का कार्बन है इधर भी 12 नंबर का कार्बन है तो मेटामर कब होता है जब फंक्शनल ग्रुप में क्या हो जाता है चेंजिंग आ जाता है मतलब कि कार्बन चेन में क्या आ जाता है चेंजिंग आ जाता है वही मेटामर होता है ना मान लो इधर अभी 12 कार्बन है इधर भी 12 कार्बन है बीच में फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन चेन में चेंजिंग आ जाता है मान लो इधर 11 हो गया इधर 13 हो गया ये बताओ ये फंक्शनल ग्रुप है टोटल बोलो यस सर इधर भी 6 कार्बन है इधर भी 6 कार्बन है क्लियर है क्या विच ऑफ द मेटामर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्स आप बताओ मेटामर कौन सा होगा सर फर्स्ट वाला देखो इसका मेटामर बताना है इसका एक्स का मेटामर बताना है जी सर एक्स का मेटामर बताना है आपको बोलो बोलो सर फोर्थ वाला सेकंड वाला फोर्थ वाला तो आपका पूरा ये CHO आ गया ना अलग आया ही है यह तो गलत हो जाएगा फोर्थ अच्छा यह भी आप ही बताओ इसमें भी तो दोनों में रिंग आ गया ना यह भी गलत हो जाएगा इसमें दोनों रिंग खाली है यह भी गलत हो जाएगा तो आइसोमर का मतलब कम से कम आप लोग इतना देख लो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए ठीक है कम से कम क्या होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और पहले वाले में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बाकी सब में कुछ ना कुछ चेंजिंग है यस कर लोगे क्या यह भी क्या यह भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है इसको भी आप लोग छोड़ दो ये बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ टू ब्यूटीन का क्या मतलब है यहाँ पे कुछ ऐसे होगा एक सिस वाला होगा और एक क्या होगा ट्रांस वाला होगा लिखा हुआ है सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन आर इंटर कन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर बताओ इंटर कन्वर्टिबल है कि नहीं है सर होते हैं नहीं होते हैं अगर सिंगल बॉन्ड होता ना तब जाके सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होता डबल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन नहीं होता है नहीं समझे क्या यस समझ गए लिखा हुआ सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन आर स्टीरियो आइसोमर बताओ स्टीरियो आइसोमर है यस यस सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है स्टीरियो आइसोमर पता है क्या उसमें ना आर एस होता है आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन एक होता है आइसोमर ठीक है आइसोमर और आइसोमर के अंदर स्टीरियो आइसोमर आता है और क्या आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर आता है ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस वाला होता है स्टीरियो आइसोमर क्या होता है आर एस वाला होता है नहीं समझे क्या यस लिखा हुआ सिस ब्यूटीन हैज लेस डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूटीन बताना जरा ट्रांस का ज्यादा डाइपोल मोमेंट है कि सिस वाले का ट्रांस का जीरो होता है लगभग और सिस वाले का ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है यह वाला स्टेटमेंट क्या है गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या है बताओ गलत है एक बार फोर्थ वाला जरा आप लोग बताना फोर्थ वाला क्या होगा फोर्थ वाला गुरमनन तो आपने पूछा है ना कि सिस वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि ट्रांस वाला जी सर ट्रांस वाला मैंने बोला था ना ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सिस वाला दोनों एक ही पास होते हैं तो रिपल्सन करता है ठीक है सर सेकंड वाले स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी ना फिर क्योंकि एक ही तो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा तो वो थर्ड है हाँ तो थर्ड है तो स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं सिस एंड ट्रांस
अरे हाँ देखो सिंपल सी बात है, स्टीरियो आइसोमर देखो स्टीरियो आइसोमर मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, फॉल्ट हो गया। स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल हाँ, तो ऑप्टिकल वाले में आर एस होता है और ज्योमेट्रिकल वाले में सिस ट्रांस होता है, दोनों के दोनों स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के, एक होता है ज्योमेट्रिकल एक होता है ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल वाले में हम कायरल कार्बन चेक करेंगे, आर एस कॉन्फिगरेशन चेक करेंगे, ये सब चीजें चेक करेंगे, ठीक है? जी सर। ठीक है क्या मेरी बात है? यस सर। ये जरा बताओ ना, एमोंग द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू फॉर द स्पेसीज एटलीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, मतलब ये पूछ रहा है, एक बार पढ़ के बताओ क्या पूछ रहे हो। मैग्नेटिक मोमेंट बताओ क्या होगा। जीरो होगा, पता है क्यों? अगर सबका आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे ना तो लगभग क्या आएगा, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आएगा। जब ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आएगा तो आप ये बताओ कि क्या उसमें वो होगा क्या, इसका आएगा प्लस सिक्स, इसका आएगा प्लस सेवन और इसका आएगा प्लस फोर, यानी सबके डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, जीरो इलेक्ट्रॉन है। जब जीरो इलेक्ट्रॉन होंगे तो न ही स्पिन होगा और न ही मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अरे मैग्नेटिक मोमेंट होने के लिए क्या इसका ये बताओ, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, यानी कि 23 होता है वेनेडियम का, यस सर, 4s2 और 3d3। आप बताओ जब जब पांच इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो डी में क्या हो जाएगा, सब में जीरो हो जाएगा, बोलो। यस सर। और जब जीरो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं आएगा और क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि Nn+2 होता है ना फॉर्मूला। बताओ मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का यही फॉर्मूला होता है ना, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां से होगा। क्लियर है क्या? सिर्फ फर्स्ट वाले में एक अनपेयर होगा तो सही, लास्ट वाला कहां से, ये बताओ। VO 2 प्लस है ना, ये बताओ V को आप x मान लो, 2 माइनस 2 ओवरऑल चार्ज प्लस 1, तो x बराबर प्लस 5 आएगा ना, और पांच इलेक्ट्रॉन, दो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तीन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो जीरो आएगा ना डी वाले में, ठीक है सर। यस बोलो, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जीरो आ गया ना, जब जीरो आ गया तो कोई अनपेयर बचा ही नहीं। ओके सर, क्लियर है। अब यह पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबलाइज नॉट स्टेबलाइज बाई हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का क्या मतलब होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना वही स्टेबल करता है। तो आप बताओ यह कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन के जस्ट जिस कार्बन पे कार्बोकेटायन है जस्ट उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस पे जितने हाइड्रोजन होंगे उसी को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ही क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है, समझे क्या, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन होता है। क्लियर है मेरी बातें? तो आप बताओ इस वाले कार्बोकेटायन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक, कितने हैं, सिक्स, अरे तीन यहाँ पे है, तीन यहाँ पे और दो यहाँ पे, हम दो यहाँ पे है, छह है ना, सॉरी एट है ना, एट है सर, यस सर, नहीं समझे, यस ठीक। ये बताओ इसके पास कोई है, नहीं सर, नहीं। यहाँ पे देखो ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, टर्शियरी ब्यूटाइल का क्या मतलब है, कुछ ऐसे है यार, कुछ ऐसे दिया हुआ है, टर्शियरी ब्यूटाइल का क्या मतलब है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप बताओ इस वाले कार्बोकेटायन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, चारों वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं है इसकी, जीरो, यह भी नहीं करेगा। यह वाला बताओ, एक हाइड्रोजन है कि नहीं है, दो हाइड्रोजन है कि नहीं है। और पहली बात सुनो, हाइपर कंजुगेशन तभी होता है कि जब यह हाइड्रोजन sp3 वाले पर हो, किस पे हो, sp3। आप बताओ क्या sp3 कार्बन पर है,
नो सर अभी नहीं होगा इसका बताओ ये भी नहीं है सर ये भी नहीं होगा ये भी नहीं है इसका बताओ नो सर ये तो होगा क्यों नहीं तीन तीन छह नौ है ना यह वाला होगा और यह वाला बताओ सर ये क्या है सर ये भी नहीं है इसके पास बताओ कि यह कार्बन जो है कार्बो कटायन क्या इसके बगल वाले कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन नहीं दिख रहा आपको अच्छा यस सर यह वाला भी नहीं है जाहिर सी बात है कौन कौन सा नहीं है मैं कर देता हूँ यह वाला एक दो तीन चार पांच टोटल पांच ऐसे हैं जिनके पास क्या है जो हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबलाइज नहीं होंगे समझे क्या फोर वाला क्यों नहीं है यस सबने फोर लिखा है फोर्थ वाला ये बताओ यह कार्बोकेटायन है तो क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या यह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना यस सर नहीं समझे जी सर अच्छा कार्बन कार्बन से तो जुड़ा होना चाहिए ये बताओ कि कौन ऐसा है जो एरोमेटिक है एरोमेटिक के लिए मैंने बताया था कंप्लीट कंजुगेशन उसके बाद क्या होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए sp2 होना चाहिए उसके बाद क्या होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए उसके बाद क्या होना चाहिए हकल रूल फॉलो करना चाहिए बताओ जरा ये बताओ या साइक्लिक ए वाला रुक जाओ ये बताओ इसमें कितने कितने वो कार्बन है बताओ जरा कितने डबल बॉन्ड है आठ है मैंने बोला था मैंने एरोमेटिक के लिए बोला था दो छह 10 और 14 अगर यह सब होगा तब जाके क्या होगा एरोमेटिक क्लियर है क्या इसमें 8 है ना ये सर यह तो होगा ही एंटी एरोमेटिक इसमें बताओ ये हो यस सर ये होगा हम लोग केवल साइक्लिक वाले का चेक करेंगे बाहर वाले का नहीं चेक करेंगे ठीक है जो कंजुगेशन में केवल उसी का चेक करेंगे इसमें 6 है ना यह होगा सर ये बाहर वाला भी तो कंजुगेशन में ही है नहीं तो हम केवल साइकिल इसके लिए क्या कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए हम केवल साइक्लिक वाला चेक करेंगे बाहर वाला नहीं देखेंगे जी सर ये वाला बताओ सी वाला नहीं होगा ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन तो इसमें है दिख रहा है क्या पांच पाई बॉन्ड है तो 10 तो है इसको होना चाहिए था लेकिन नहीं है पता क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना यह आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं कहाँ चले जाते हैं आउट ऑफ प्लेन के बाहर चले जाते हैं अच्छा प्लेन के बाहर चले जाएंगे तो आप बताओ प्लेनर होगा नो सर प्लेनर नहीं होगा और कंडीशन में हमें चाहिए प्लेनर भी होना चाहिए तो यह भी नहीं होगा यह वाला बताओ डी वाला सर डायग्राम में दिख रहा तो दिख क्यों नहीं दिख रहा है क्या सर दिख रहा है सर तीन चार पाँच छ सात सात के लिए क्या होगा 14 इलेक्ट्रॉन होगा 14 के लिए होता है कि नहीं होता है सर वो पूरा नहीं दिख रहा सर डी वाला दिख तो रहा है ना पूरा यस सर हाँ जी रोहित बताओ नो सर डबल बॉन्ड कटा हुआ है कहीं नहीं कटा हुआ सर दिखता है रोहित बताओ क्या पूछ रहे हो आप सर मेरे नहीं दिख रहा ऐसा है क्या किसी को नहीं दिख रहा है सर नीचे डबल बॉन्ड कटा हुआ है सर विजिबल है क्लियर है सर गुरुमंदन तो देखो बस 10 वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आप वो देख लेना आप याद ही कर लेना कि 10 वाले में जो दो हाइड्रोजन होते हैं वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं जिसकी वजह से वो एरोमेटिक नहीं होता है नहीं आप बताओ आउट ऑफ प्लेन है तो प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा नॉन प्लेनर तो ये बताओ कि एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा नॉन एरोमेटिक होगा ना बिल्कुल पहली बात आप लोग एरोमेटिक सर मेरा ज़ूम हो रखा था सर स्क्रीन इसलिए सर एंटी क्यों नहीं हो सकता देखो एंटी होने के लिए ना इसको पता है क्या कि 4 8 12 और 16 वाला फॉलो करना चाहिए तो ये तो है नहीं कहीं और एंटी भी होने के लिए ना प्लेनर होना चाहिए तो आप बताओ प्लेनर भी नहीं है ना बोलो यस सर अगर प्लेनर ही होता तो एरोमेटिक नहीं हो जाता एरोमेटिक हो जाता कर लोगे क्या आप लोग यस सर कर लेंगे हाँ जी बताओ इसका जरा नाम बताओगे आप लोग
देखो मैंने आपको एक चीज बताया था, जो यह क्लोरीन है और जो यह नाइट्रो है दोनों के दोनों किसका काम करेंगे, दोनों के दोनों ब्रांच का काम करते, कभी यह फॉर्मूला ग्रुप नहीं बन सकते। और जब ब्रांच का काम करेंगे तो जो अल्फाबेट में सबसे पहले आएगा वो उसका क्या नाम होगा, नाम सबसे पहले उसकी नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो पहले वाले का नाम क्या होगा बताना जरा, 1 4 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। अब दूसरे वाले का बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, यह फंक्शनल ग्रुप हमारा एमीन आता है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। यह किसका काम करेगा, ब्रांच का काम करेगा क्या, और यह है मेथिल और यह क्या है एथिल, क्या नाम होगा, इथाइल सर। सर ये जो ऊपर वाला है सर, इसमें ये 2,4-dinitro फिर क्लोरोबेंजीन है सर, तो 2,4-dinitro लिखा तो हूँ, क्लोरो क्यों होगा, क्लोरो तो मैंने पहले पोजीशन पे क्लोरो लगा दिया ना। अच्छा सर, नाइट्रो से नहीं स्टार्ट होएगी इसकी काउंटिंग, कहाँ पे, यहाँ पे, ये सर फर्स्ट कंपाउंड में, फर्स्ट कंपाउंड में नहीं, नाइट्रो से नहीं, क्लोरीन से स्टार्ट होगा, नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट होता है फंक्शनल ग्रुप। देखो कभी भी ना नाइट्रो और क्लोरीन दोनों के दोनों हमेशा सब्स्टिट्यूएंट जैसे काम करेंगे, ब्रांच जैसे काम करेंगे, दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप कभी भी नहीं बन सकते। तो इसलिए जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको हम पहले से लेते हैं, जैसे क्लोरो में या नाइट्रो में कौन पहले आता है, क्लोरो आता है, इसलिए हमने क्लोरो से स्टार्ट किया। क्लियर है क्या? ओके सर, क्लियर है। दूसरा वाला क्या होगा, 4-ethyl 2-methyl और क्या होगा हमारे पास, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं ना जी सर, एनिलीन बोलते हैं, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, एनिलीन बोल सकते हैं। क्लियर है क्या, आप बताओ जरा क्या पहले वाले का नाम सही है? नो सर, नो सर, गलत। दूसरे वाले का सही है, ये सर सही है। दूसरे वाले का बताओ सर सही है, सही है सर। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला। बाकी सब आप लोग कर लोगे ना। ये बताओ, ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे कार्बन है जो 2 डिग्री वाले हैं, कितने ऐसे कार्बन है जो 2 डिग्री वाले हैं, 1 2 3 4 5। सर एक ही है सर, 1। देखो दूसरा नंबर वाला कार्बन, देखो पहला नंबर वाला कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि यह पहला नंबर कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। और दूसरा देखो पहला नंबर वाला क्या है, 1 डिग्री है, और जो दूसरा नंबर वाला कार्बन है ना एक इससे जुड़ा हुआ है 3 डिग्री, या 3 डिग्री है, ठीक है। और जो तीसरा नंबर वाला कार्बन है ना वो 2 डिग्री है, 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाले सर, 3 डिग्री, और 5th वाला 1 डिग्री, केवल और केवल एक ही ऑप्शन सही है। क्लियर है? ये देखो द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, बताओ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं सर, ऑप्टिकल आइसोमर कैसे काउंट करते हैं ये बताओ। आप कायरल कार्बन चूज करोगे, कायरल कार्बन का क्या मतलब है, ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप हो, ये बताओ, 1 2 3 4 5, तो पांचों कार्बन उससे जो लगे हुए, जो जो भी कार्बन है, क्या 4 अलग अलग ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं, बोलो। और 2 पे पावर आप एन कर देते थे, यानी 2 पे पावर 5, यही करते थे ना आप लोग, कायरल कार्बन ऐसे ही करते थे ना आप लोग, बताओ। यस, नहीं क्लियर हुआ, ओके सर, डाउट है किसी को? हाँ जी सर, बताओ रिंग में कायरल कार्बन कैसे, कायरल हम बता रहे हैं। देखो मान लो एक कार्बन है, कायरल है, इस पे क्लोरीन जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया। आप बताओ कि इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, नहीं ना, या कायरल नहीं होगा,
अब ये देखो कार्बन है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, आप बताओ क्या चारों अलग अलग ग्रुप हैं? यह कायरल होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, आप बताओ चारों अलग अलग ग्रुप हैं इस कार्बन पे? नहीं है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया ना, नहीं होगा कायरल। तो इसमें बताओ कि यह वाला कार्बन ऐसा है जिसे यह वाला जुड़ा हुआ है, यह वाला जुड़ा हुआ है, यह वाला जुड़ा हुआ है, दोनों चारों अलग अलग है ना। अरे अब ये केवल एक कार्बन मत देखना, एक कार्बन से नीचे भी आएगा, यह अभी इसके बाद भी जाएगा, तो सब अलग अलग नहीं हो जाएंगे? ऐसे देख लो CH2 CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे देखो क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे C2H5 जुड़ेंगे या टोटल जुड़ेंगे, क्लियर है क्या? तो चारों अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई। यस सर, चारों अलग क्या? जब चारों अलग अलग होगा ना तो उसको बोलेंगे कायरल कार्बन बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? कायरल कायरल कार्बन। देखो चारों अलग अलग ग्रुप नहीं है, यह एक अलग ग्रुप है C2H5 हो गया, यह एक अलग ग्रुप है CH3 हो गया, यह क्लोरीन हो गया और यह क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। चारों अलग अलग ग्रुप है कि नहीं है? डन? डाउट है किसी को? बताओ बताओ। चलो बाकी ना मैं आप लोग को ये PDF सेंड कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना ठीक है, आप लोग कर लेना, मैं आपको ये PDF सेंड कर रहा हूँ ठीक है। और इसमें ना होमवर्क है ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है वो कर लेना आप, एक बार जो मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूँ। एक बार जो आप लोग ये आपका ग्रुप हो गया, HP में सेंड कर दूंगा। सर आ गया। आ गया सर। अभी और भी ग्रुप आ गए सर। अब कौन सा ग्रुप है? ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। ठीक है फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर। थैंक यू सर।